पे आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है इस फंक्शन के लिए, और एफ जो आपका फंक्शन का डेफिनेशन डोमेन है वो -4 से 2 दिया गया है, और रेंज हम मान रहे ये को डोमेन हम लोग मान ले रहे हैं कि रियल नंबर, सारा रियल नंबर है, को डोमेन है, रेंज अपनी कुछ आएगी फंक्शन की। और इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी -4 हो गया, बी की वैल्यू 2 हो गई, और फंक्शन की डेफिनेशन तो जो दी गई है x² + 2x - 8 होगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए 3 कंडीशंस होते थे। पहला कंडीशन होता था कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरा कंडीशन होता था कि एफ एक्स जो है डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए, कहाँ पे, ओपन इंटरवल ए बी में। अच्छा, ओपन में हम लोग क्यों कहते हैं ये आप अपने टीचर से पूछिएगा या ट्यूटर से पूछिएगा जिससे भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरी बात होती थी कि एफ ए की वैल्यू एफ बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन अगर मीट करती है तब हम लोग कहते हैं कि एक सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, जहाँ पे एफ डैश सी 0 होगा, ठीक है। तो ऐसा सी हमें निकाल के वेरीफाई कर देना है, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, x² + 2x - 8। अब हम लोग चलते हैं कि पहला कंडीशन कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो पहले कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ग्राफ होता है वो स्मूथ है, कहीं भी ब्रेक नहीं किया हुआ है, मतलब वो या तो नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी टाइप का नहीं है या फिर वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी टाइप का नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ पूरा हर जगह, अगर एक ग्राफ के एक एंड से दूसरे एंड तक आप पेंसिल चलाइए तो आपको पेंसिल उठाना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ग्राफ क्या है, ग्राफ से पता चल रहा है कंटिन्यूअस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें, हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, ना तो हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, बहुत लोगों को स्किल नहीं होगी ग्राफ ड्रॉ करने की। तब हम ये कैसे एविडेंस दें या कैसे बताएं कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो उसके लिए आपको थ्योरम जानते हैं, एनसीईआरटी में थ्योरम दी गई है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है, तो सारे पॉलिनोमियल जो होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर रीजन देंगे, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, है ना, ये पॉलिनोमियल है, देयरफोर, ठीक है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अब ये एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस तो सारे एक्स के लिए होता है, ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स के लिए होता है, लेकिन आप अपने काम से काम रखिए, किसके लिए हमें क्लेम करना है, -4 से 2 के लिए। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -4 से 2 हो गया, ठीक है। ये पहला कंडीशन आपने दिया, मतलब ये आपको रिक्वायर्ड था, लेकिन इसके पीछे आपने आर्गुमेंट दिया। बिना आर्गुमेंट के हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि वेदर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो आप जो ग्राफ हमने दिखाया था उस ग्राफ से आप बोल सकते हो, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए, मतलब ग्राफ के टर्म में देखिए कि इसके हर पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हर पॉइंट पे। लेकिन ये तो ग्राफ से आपको आइडिया लग रही है, ठीक है, जो आप विजुअल देख रहे हो, लेकिन आप ऐसे कैसे बोलोगे कि हर, मतलब ग्राफ स्मूथ है या हर पॉइंट पे वो डिफ्रेंशिएबल है या हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट पॉसिबल है। उसके लिए फिर आपसे थ्योरम, आपके लिए थ्योरम आती है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो अंडरस्टूड है, थ्योरम बोलती है कि अगर पॉलिनोमियल है तो वो डिफ्रेंशिएबल होगा ऑल एक्स के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो ओपन इंटरवल में भी आपका क्या होगा, डिफ्रेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे आर्गुमेंट फिर सेम देंगे, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल देयरफोर एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4 से 2। तो दो कंडीशन आपने मीट करा दी, है ना, रोल्स की। तीसरी क्या कंडीशन होती थी कि एफ ए, पहले तो एफ ए भी इक्वल होने चाहिए, लेकिन एफ ए, ए क्या है आपका -4 है, तो एफ ऑफ -4 और फंक्शन की वैल्यू -4 पे, तो फंक्शन का डेफिनेशन ये है आपका, यहाँ एक्स की प्लेस पे क्या रख देते हैं, -4 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -4² + 2 - -4 और -8। ये कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। इसी तरह से एफ बी, एफ बी का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ 2, है ना, बी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 2 दी गई है, दैट इज 2² + 2 - 8, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली
क्लियरली एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस फोर किसके इक्वल है, एफ ऑफ माइनस फोर एफ ऑफ टू के इक्वल है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन जो रोल्स को रिक्वायर्ड थी वो तीनों ही क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। नाउ एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जो भी एफ एक्स दिया गया है। तो यहाँ आपका जो एफ एक्स है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा और टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन टू हो जाएगा और माइनस एट एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एफ डैश एक्स। लेकिन आपको एफ डैश सी चाहिए, तो एफ डैश सी जहाँ एक्स है वहाँ सी प्लेस कर दीजिए, तो टू सी प्लस टू है। अब एफ डैश सी क्या लिखेंगे, नाउ एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब टू सी प्लस टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से सी कैलकुलेट करेंगे माइनस वन आएगा, है ना। और क्लियरली क्या कहेंगे, जो c की वैल्यू माइनस वन है ये कहाँ बिलोंग करती है, आपके ओपन इंटरवल माइनस फोर से टू में, ठीक है। हेंस फिर क्या लिख देंगे, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो बस ये आपका एक रोबोटिक टाइप का आंसर है ना, स्टेप्स बड़े फिक्स हैं आपको, मतलब फर्स्ट स्टेप में आपको बोलना है, कोई एक आर्गुमेंट देना है कि वो कंटिन्यूअस क्यों है, एक आर्गुमेंट देना है कि वो डिफरेंशिएबल क्यों है, और दूसरा एफ ए एफ बी कैलकुलेट करके उनको इक्वल दिखाना है, ठीक है। और फिर तीसरा क्या करना है, एफ डैश निकाल लोगे और एफ डैश सी निकाल के जीरो कर दोगे, वहाँ से सी आपके पास आएगा और उसमें से कोई एटलीस्ट एक सी होगा जो आपके ओपन इंटरवल में लाई करता होगा। और लास्ट में आपको लिख देना है, अगर ये तीनों बात ये सारी बातें हो रही हैं इसका मतलब रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, एल्स अगर एक भी कंडीशन मीट नहीं करती है तो रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड।